हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसे ऑनलाइन क्लास, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम फैक्टर्स क्या होते हैं, which is the number which is exact divisor of that number, is called factor. The number which is exact divisor of that number is called factor. We know that every number is divisible by 1. सारे number किससे divisible होते हैं? 1 से। अब factor के लिए हम example देखते हैं। For example, find factor of 12. जैसे हमें 12 के factor find करने हैं। We know that जो number डिवाइजर भी होगा तो वो मल्टीप्लीकेशन भी होगा। इट मीन्स जैसे 12 के 12 को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 × 12, इट मीन्स 12, 2 × 6, 12, 3 × 4, 12, 4 × 3, 12, 12. उसके बाद 12 मल्टीप्लाई, तो 12 को हम किस किस तरीके से, मतलब कौन सी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई मेथड हो गया फैक्टर फाइंड करने का, और डिवाइड मेथड भी होता है फैक्टर फाइंड करने का। तो 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 3 12, 6 × 2 12, 12 × 1 12. तो जो ये हमारे पास जो डिजिट है स्टार्टिंग वन जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 6 12, चाहे आप फर्स्ट वाले लें चाहे सेकेंड वाले, तो ये हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होगा हमारे पास, 1 से डिविजिबल है 12, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, एंड 12 से डिविजिबल, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई रूल हो गए। तो मल्टीप्लाई मीन्स जो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिविजिबल भी होता है गिवन नंबर से। जैसे 1 × 12, इट मीन्स 12 आया हमारे पास। अब 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 में 2 का डिवाइड को इसका रिवर्स प्रोसेस देखिए, जैसे 1 यहाँ पर रहेगा। अब देखो 12 मल्टीप्लाई में तो किस में चले जाएगा, डिवाइड में, तो 12 upon 12 1 ही आएगा, कैंसिल होगी 1, ऐसे इम्प्लाइज दे 2 यहीं पर है हमारे पास। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चले जाएगी, डिवाइड में, तो 12 upon 6, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 6 × 2 = 12, 2 आया इसका आंसर। ऐसे ही ये 3, 12 में अगर 4 का डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, 3 आएगा। 4 लाने के लिए 12 में किस का मल्टीप्लाई में है जो किस में चले जाएगा, डिवाइड में, 3 × 3 3 × 4 = 12। ऐसे यहाँ पर 6 लाने के लिए 12 में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, 2 × 2 2 × 6 = 12, 6 आ गया। ऐसे ही हमारे पास 12 लाने के लिए 12 में किसका डिवाइड करेंगे, 1, तो ये हमारे पास क्या है। तो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है वो रिवर्स प्रोसेस होते हैं। आप मल्टीप्लाई फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो फैक्टर, और डिवाइड फॉर्म में भी फैक्टर फाइंड कर सकते हो, ओके। तो सीधा सा आपको रिमेंबर रखना है कि फैक्टर क्या होते हैं, गिवन नंबर में जो कि गिवन नंबर में वो नंबर जिसमें गिवन नंबर का डिवाइड जा रहा हो। तो 1 तो एवरी नंबर का फैक्टर होगा, ये याद रखना है आपको, 1 सारे नंबरों का फैक्टर होता है,
वन के बाद देखिए 12 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 3 का जा रहा है, ठीक है, 4 का डिवाइड जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा तो 5 नहीं होगा इसका फैक्टर, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जाता 12 में, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, उसके बाद किसका जाता है 12, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो स्टूडेंट्स फैक्टर के केस में हमने क्या सीन किया कि जब भी किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो आपको नोट करके चलना है, जो गिवन नंबर है हमारे पास आएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि गिवन नंबर जो हमारे पास है वो उससे डिवाइड होगा, जैसे 12 में आया तो 12 तो आएगा फैक्टर का पार्ट, और 1 क्योंकि एवरी नंबर से क्या 1 डिवाइजर होता है, मतलब जो गिवन नंबर होता है वो 1 से डिविजिबल होता है, तो 1 होगा और जो गिवन नंबर होगा ये तो होगा ही हमारे पास, ये आपको याद है। गिवन नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर करने के लिए तो खुद नंबर आएगा फैक्टर में और एक 1 आएगा, फिर जो फैक्टर हम फाइंड करेंगे वो गिवन नंबर से या तो ऑलवेज जो फैक्टर फाइंड करेंगे वो उससे ज़्यादा नहीं होगा गिवन नंबर से, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 के इक्वल है या फिर 12 से लेस देन हो, उससे ग्रेटर देन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर, गिवन नंबर के फैक्टर फाइंड करने के लिए 1 तो आएगा ही और साथ में गिवन नंबर आएगा, और उसके जो फैक्टर होंगे वो गिवन नंबर से लेस देन और इक्वल होंगे, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं होंगे। अब इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है हमारे पास परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन नंबर कोई हमारे पास है 6, 6 के फैक्टर फाइंड करने हैं, 6 के फैक्टर हमारे पास फैक्टर्स आए, 6 के फैक्टर्स होंगे, 6 से देखो 1 तो हो गए, 1, 6 में 1 का डिवाइड जाएगा 1 फैक्टर, 6 में 2 का जाता है डिवाइड 2, 6 में 3 का जाएगा डिवाइड, 4 का नहीं जाता तो फैक्टर नहीं होगा 4, 5 का नहीं जाएगा तो 5 फैक्टर नहीं होगा, और 6 में 6 का डिवाइड जाता है फैक्टर होगा हमारा, तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6। अब जो गिवन फैक्टर्स हैं सम करने पर क्या आएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12। अगर गिवन फैक्टर्स के सम करने पर गिवन नंबर से वो ट्वाइस हो, इसका मतलब 2 टाइम्स गिवन नंबर से क्या हो सम करने पर 2 टाइम्स हो, अब देखो 6 का 2 टाइम्स क्या होता है 12, तो ये गिवन नंबर क्या होगा परफेक्ट नंबर होगा, 6 हमारे पास क्या होगा 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के क्या होगा, अगर गिवन नंबर के फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो वो गिवन नंबर से अगर ट्वाइस हो 2 टाइम्स हो तो क्या होता है परफेक्ट नंबर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स ए पार्ट 24 एंड 15, क्योंकि हमें फैक्टर फाइंड करने हैं तो सॉल्यूशन देखते हैं 1 बाय 1। ए पार्ट 24 के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, तो 24 के फैक्टर देखिए आप डिविजिबल रूल फाइंड कर सकते हो, 24 में 1 का डिवाइड जाता है तो 1 फैक्टर हो गया, 24 में 2 का डिवाइड जाएगा 2 फैक्टर हो गए, 24 और आप क्या कह सकते हो 24 कौन कौन से नंबर की टेबल में आ रहा है, तो 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से भी, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आता तो 5 भी होगा इसके फैक्टर, 6, 6 फोर 24, 7 की टेबल में नहीं आता 7 से डिविजिबल नहीं है इट मीन्स ये, 8, 8 3 24 8 होगा फैक्टर, 9, 9 की टेबल में नहीं आता इट मीन्स 9 से डिविजिबल नहीं, 10, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता, 12, 12 2 20, 12 की टेबल में आया, फिर उसके बाद खुद 24 जो नंबर है उसके टेबल में, ओके। तो 24 के फैक्टर हमारे पास कैसे हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24।
24 का फैक्टर क्या हुआ 1 2 3 4 6 8 12 24 दैट इज आंसर। ऐसे हमें 15 के फैक्टर फाइंड करने हैं, 15 और 15 1 से तो होगा और खुद 15 से हो गई हमने पहले डिस्कस कर ली, तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 2 फैक्टर नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 से 15, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 3 से 15, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, खुद 15 से होगा। तो 15 के फैक्टर क्या हुए 1 3 5 एंड 15 दैट इज आंसर।